जी नमस्कार। तो बंगरा मंदिर पर जो राम जानकी सीता जी की मूर्ति चोरी हो गई थी, आज भी चोरी है, उससे संबंधित एक हल्की जानकारी किसी ने दी है कि इस कुएं में कुछ चोर लोग फेंक गया है। तो देखिए हमारे बच्चे लोग, तनी हटिए बाबू तो दिखाएं फेसबुक पर, देखिए बच्चे लोग अंदर घुसते हैं और सर्च कर रहा है लोग। तो बेचारे की चाय वाय का इंतजाम होना चाहिए। आई छोट छोट लड़का लोग बाबू हाथ छिहिल जाएगा, चल जाइएगा नीचे अथवा वो नहीं रख के। इस सब लोग खट रहा है सुबह। देखिए लड़का सब चिल्ला रहा है। आई के देखा है जी कि मैंने के कहा है कि मूर्ति लोग फेंक गया है। अजय आप देखे हैं? हम तो विजय बाबा कहलन अच्छा चोरी की सूचना आप ही न दिए थे, तो तनी बोली है नहीं आपको के कहा है कि मैंने इसे फेंक दिया गया है? विजय बाबा कहला। अच्छा विजय बाबा कहला कि वो मैं धबाक से कर आवाज सुनाए रात को। अच्छा तो वो सवेरे आके देखनी है तो वो सब कचरा जोन बात हम चार सिंचाई रहला सवेरे में एक साइड हो गेल लख तो वो देख के तो ओकरा के चेक करे के माने इस कुआं को मुखिया जी को जाली उली लगवा देना चाहिए, सफाई करवा देना चाहिए। काहे नहीं किए आप लोग कभी? कहे मुखिया जी से हम तो नहीं बोले। वोट दिए हैं कि नहीं मुखिया जी को? मुखिया जी के ये लोग पहले से बोले हुए हैं। आप वोट दिए हैं कि नहीं? हम दिए हैं। तो मैंने बोले हैं कहियो? हम नहीं बोले। का है मैंने खाली जीता देना है? तो जिताने को तो अब उसका तो हक है, जीतने का तो जीतेगा। जीतने का मुखिया जी भी हमारे जो है अब मुखिया हो गए हैं, तो उनको अब का मतलब पब्लिक से डरवाते हैं कि हम गांव के दबंग है आ केहूंगा बैकवर्ड फॉरवर्ड करके हमको जीतिए जाना है, आ हिम्मत किसको है बोलेंगे भाई। तो इसलिए सबको अपना लड़ा मरा के कसम रखे हैं। यहाँ पर देखिए कितनी मैंने कुआं गंदा है, मंदिर का कुआं, कौन भगवान उनको जिताए है। आपका तो कुआं बनवाइए देंगे ना जी, आप लोगों का नहीं बनवाए हैं। जहाँ उनको लगता है मंदिर में कराम जी वोट देंगे उनको, आगे सीता जी वोट देगी, जो वोट उनको देंगे बनवा दिए हैं। कब अब आप सुने थे धवाक से और का लगा मैंने मूर्ति है? रात 11 बजे रात गाड़ी अप डाउन कर रहा था। अच्छा, तो हम लोग सोच रहा था इमरजेंसी होगा तो अपना जाता होगा लोग, तो फिर हम लोग सो गए। तो सो गए तो देख रहा हूँ कि फिर 10-15 सोए थे तो देख रहा हूँ कि इसमें कुआं में कस गिराया गया है। अच्छा, और क्या गिराया गया है तो हम तो अभी देखा नहीं। गेस किए मूर्ति? हम लोग जैसे रूम मंदिर में से निकाल रहा हूँ तो देखा नहर ऊपर हो गया, वो पुल ऊपर। लेकिन मैंने वो गरिये वाला इधर आके लगा के फेंक दिया है। आदमी यहाँ पर था, गाड़ी वहाँ से तेज चला के आया था, आराम से बैठा था, फिर लेकर चला गया। ओ, जो पहले से इधर आदमी था। हाँ, हाँ। ओ, क्या मालूम कौन है कौन नहीं था, हम लोग थोड़े मालूम है, हम तो सोए तो थोड़े जानते कुछ। जब काहे ना इस मंदिर को आप लोग घेराबंदी करवा दे रहे हैं चारों तरफ से? होगा चारों तरफ से, अगर इधरों से खुला है तो उधर से बंद कर देते। मान लीजिए वो जमीन आपका है, इनकेस आपको घर द्वार बनाने का इच्छा है तो एगो गेट अपना खोल देते, लगाएंगे अभी एगो गेट करवा दीजिए जिससे आप जाइए आइए, कोई और तो नहीं ना आएगा? नहीं नहीं। आप पूरा मंदिर सुरक्षित रहेगा ना तो, का विनायक भाई? इस तरीके से बहुत लापरवाही है यहाँ पर। और देखिए बहुत सारे पब्लिक लोग खोज रहा है। तो इस नए साल पर हम आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए जय श्री राम भी कहेंगे, लेकिन यह जरूर कहेंगे कि कुछ गांव की भी लापरवाही है। आप देखिए ऐसे ही खुला में बिल्ली घूम रही है बाउंड्री न होने के कारण। ये मंदिर टाइप के लग ये नहीं रहा, एकदम से नाला बह के जा रहा है, पानी सब एकदम सरा हुआ है। अब पंडित जी लोगों को दोषी हम नहीं कहेंगे, पंडित जी अकेला कितना का करेंगे। एक पंडित जी को खाली कहा जाए कि वो दोषी है
तो ठीक नहीं माना जाएगा। इसमें गांव के व्यवस्थापक लोगों की आवश्यकता है और उनको व्यवस्था करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही गैया गोबर देख सकते हैं। यही मंदिर है जहाँ से राम जी चोरी हुए हैं और आज हल्ला एकाएक पूरा है कि वो मिल गए। यहाँ देखिए भी गैया बन्हा रही है, जहाँ लोग एक से एक भक्तगण इसके निर्माण के लिए दान में दिए हुए। जमीन यहाँ के पंडित जी रामासन बाबा जो है वो गिफ्ट किए थे, और सारा समाज के लोग, एक गांव के दो चार दस गांव के लोग मिलकर जो है मंदिर निर्माण में सहयोग किए और मंदिर बना। लेकिन आज देख के लग रहा है, देखिए यहाँ के चौकीदार साहब, आप कहना क्या कहना चाहेंगे, थाने के चौकीदार प्रयास में है, प्रयास कर रहे हैं और ये भी लगे हुए हैं, थाने के तरफ से ही है, पर्सनल नहीं है, और खोजी जारी है ना, खोज जारी है। अच्छा, थाना क्या अभी तक परफॉर्म किया है? प्रयास किया जा रहा है अभी, दरोगा जी मैंने एक्टिव जी, है जी, जी। और कुछ लोगों को लेकिन धरना पकड़ना चाहिए था, मेरा ये कहना है कि कुछ लोग भी पकड़ाते इसमें तो भेद खुल जाता। देखिए सब लोग अपने काम छोड़ छोड़ के लगा है लोग कि राम जी का मूर्ति मिल जाए, लेकिन ये देखकर लग रहा है कि शायद एक तरफ अयोध्या नगरी कितना चमक रहा है और एक तरफ देखिए रामलला को इसमें खोजा जा रहा है, इस कुआं में। क्या हुआ, बोरी ना बंद हो जाएगा का कि चलेगा फिर? नहीं है, आप गए थे अंदर जी, का देखे मैंने अंदर? नहीं है, खाली ईटा मिला है, खाली ईटा है, बाकी है ईटा। तो मतलब ये अफवाह है, वो था तो अफवाह ही नहीं मानेंगे, लेकिन पत्थर सीसा पत्थर मिला ऐसा तो मिल रहा है। लेकिन भक्ति है आप लोगों में, तभी ना मैंने ठंडा में घुस गए। चलिए बहुत बढ़िया, भक्ति का भगवान की कृपा से तभी ना हम लोग घुसे हैं। बहुत बहुत बढ़िया, एक बार थोड़ी, दो दो बार घुस गए, दो दो बार, तीन तीन बार हो गया। तो सब लोग देख सकता है कि लोगों में भक्ति कितनी है राम के प्रति, कि लोग अंदर घुस के भी खोज रहे हैं और सुबह से बोरिंग लगा के इसको पटाया जा रहा है और पानी निकाला जा रहा है। ये देखिए इसमें से बहुत सारा ये चीज मिले हैं, देख सकते हैं शंकर जी के, जो लोग डुबा दिया है, ये सारी सामान देख सकते हैं। कुआं से दारू का बोतल भी मिला है, तो इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या स्थिति है। आप कुछ बाबा कहना चाहेंगे, मूर्ति कौन ले गया है? ये सब तो बात यहाँ के ऊपर का है, आप तो पूरा सर्वे करते हैं दुनिया का। दुनिया के का भाई, अति हो गया भाई, जाए अति हो गया। बाबा का कहना है कि अति हो गया है, यहूजा गाड़ी वोड़ी लगी हुई है, बहुत गांव अच्छा है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ। चलिए हम आप लोगों से भी बातचीत करते हुए बढ़ते हैं आगे। यही मंदिर है का बाबू, ठीक है, आप क्या कहेंगे मंदिर के बारे में? आइए, तो सब लोग देख रहे हैं, नया साल है आपको, मेरे साथ साथ चलिए पुल पर। हाँ बोलिए, क्या मैंने मूर्ति मिल जाएगा? मिल जाएगा, मिल जाएगा, और चांस है। ये छठी मैया का घाट है जो गांव के लोग पूजा करते हैं, ये प्राइमरी स्कूल है जहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं, ये सब मार्केट वगैरह। तो चलिए हम नए साल पर जो है यहाँ राजेश जी लिख रहे हैं कि नया साल मनाने के लिए लोग अर्ली मॉर्निंग पूजा पाठ कर रहे हैं। जी सर, सब लोग पूजा पाठ कर लिए, हम लोग भी कर लिए हैं। और राजेश कुमार तिवारी जी, नया साल मुबारक हो। सोनू जी, हैप्पी न्यू ईयर। और चलिए अफजल अली जी, नया साल मुबारक। हमारे वीरेंद्र यादव जी, आपको भी नया साल मुबारक। जितेंद्र यादव जी, मनोरंजन कुमार जी, आपको भी नया साल मुबारक। क्षत्रिय मनीष सिंह जी, बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत आगे बढ़िए। संजय सिंह, हैप्पी न्यू ईयर सर। राजेश तिवारी जी और क्षत्रिय मनीष सिंह जी, अनिल सिंह जी,
आपको भी नया साल मुबारक हो। और डीके सिंह गम्हारी जी, मुझे उम्मीद है आज तो स्कूल खुला है, आप आए होंगे। ये देखिए ब्रह्म बाबा है, आपका अपना स्टडी पॉइंट। तो मंदिर से ही हम आ रहे थे और ये सब लोग जो है भाई साहब हैं। अब नहाइएगा का वो नहा ली। तो सब लोग जो है नए साल मना रहे हैं, हम लोग भी मंदिर पे मूर्ति खोजने में लगे थे, मूर्तियां नहीं मिली। किसको लापरवाह कहा जाए कुछ समझ में नहीं आता। हाँ चलिए, आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 2024 का जो वर्ष है वो निश्चित ही बहुत सारी खुशियां लाए, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग मनाइए। और देखिए ये हमारी भाभी है जो नया साल आप लोगों को मना रही है इतने अमरूद के साथ। अभी मनाइएगा? हाँ मनाएंगे। नहीं अभी नहीं, कैसे मनाइएगा आप आज? तो इस तरीके से हम ही बोल देते हैं। ये देखिए ये क्या क्या खा रहे हैं हमारे सीवन जी, हालांकि तबीयत इनकी खराब रहती है तो। और ये पुतुल कुमारी भी देखिए इधर है, हैप्पी न्यू ईयर बोल दीजिए। हाँ ये भी बोल दी हैप्पी न्यू ईयर। आप जी देखिए ये लोग है, और ये रामसर क्षेत्र की तरह है, एक बर्तन में अमरूद देना चाहिए था, ये कपड़ा में ठीक लग रहा है। ये देखिए चिड़िया वगैरह सब खा खा कर अमरूद वगैरह सब गिराई हुई है, और बहुत अच्छा जगह है, एकदम नेचुरल रूप से धूप वगैरह सर चीज है। मैंने बार बार आप लोगों को दिखाया, ये सब आते आप लोग खाते, बजरंग बली लोग आते हैं, बड़ी चाव से खाते हैं, जैसे मछलियां हैं, और बहुत सारे नेचुरल प्लेस है। तो आप सबों से यही कहेंगे कि ईश्वर आप लोगों का रोग बलाए सब चीन भेज दें और पाकिस्तान, बाकी जितनी संसार की खुशियां हैं वो सब आप लोगों की ज़िंदगी में आ जाए। खूब बढ़िया से नया साल 2024 मनाइए और बहुत सारी खुशियां मिले। उम्मीद से ज़्यादा आप लोग अच्छे ढंग से रहें, आपके परिवार में एकता हो, संपन्नता हो, धन धान्य की वृद्धि हो। और देखिए हमारे धर्मेंद्र जी देख रहे हैं, संजय सिंह जी नमस्कार सर, ये तो मेरे गुरु जी प्रकार के हैं। धर्मेंद्र जी, हर्षित राठौर जी आपको भी आशीर्वाद है। और हमारे विक्रम जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धनजीत जी, राणा नितेश सिंह सिसोदिया जी, रोहित गुप्ता जी, तो बहुत से लोग, प्रिंस गुप्ता जी बहुत प्रिय छात्र हैं हमारे। कुमारी कविता जी आपको भी आशीर्वाद है, बहुत तरक्की करें आप। और इतने दूर से मैं आपको घर दिखा रहा हूँ अपना, शायद आप लोग कुछ तो देखे होंगे बार बार, चूँकि लाइव में यहाँ रहता हूँ। तो यही घर हुआ, एक गाड़ी लगी हुई है, पेड़ है, ये देखिए स्टडी पॉइंट के सर की वही पुरानी गाड़ी, वही घर, वही पर्दा, मनी प्लांट, पौधा, पेड़, ये मिट्टी की खुशबू, सब कुछ आ रहा होगा आप लोगों को। देख सकते हैं ये पीपल का पेड़, ये सारे देवता वगैरह। तो चलिए हमारे हर्षित राठौर जी, आपको बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत आशीर्वाद है। और नए साल में इतनी खुशियां मिले जो शायद आप कल्पना नहीं किए होंगे, जितनी उम्मीद किए होंगे उससे ज़्यादा आप सबों को खुशी मिले, दुख सब हट जाए। जहांगीर आलम जी आपको भी आशीर्वाद है सर, राजपूत एक के जी बहुत बहुत आशीर्वाद है, तरक्की कीजिए आप लोग। और सारे रोग बलाए जितना भी आप लोगों के परिवार का बर है, बीमारी है, तकलीफ है, कष्ट है, दुख है, वो सब पाकिस्तान चला जाए। और जितने सुख है, समृद्धि है, धन है, दौलत है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, शांति है, सब आपके परिवार में भर जाए, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं एक गायत्री मंत्र के साथ।
ओम भर्भुवः श्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक भगवान कृष्ण के मंत्र के साथ ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नशाय गोविंदाय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक सूर्य भगवान के मंत्र के साथ ओम वायुर्जमग्नि वर्ण संसा कह प्रजापतिस्त्वं प्रपितां महस्य नमो नमस्ते अस्तु सहस्त्र कृत्वा पुनश्च भयो यपि नमो नमस्ते। और फिर एक महामृत्युंजय मंत्र के साथ ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनानामर्त्योर्मुक्षेमामृतात्। और एक भगवान शिव के महाबीज मंत्र के साथ ओम येंग हिंग क्रिंग चामुंडाय विचे ओम ग्लौंग हुं क्लिंग जूम सह ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल एंग हिंग क्लिंग चामुंडाय विचे ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। तो अतुल रहमान जी आपको भी बहुत सारा नया साल मुबारक हो। सत्येंद्र सिंह जी आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और कैलेंडर नवर्स की हार्दिक शुभकामनाएं। जी सर, जब सब नौकरी वगैरह इसी डेट से मिल रहा है तो मेरा ऐसा मानना है कि ये किसी ईसाई वगैरह का नहीं होता है। वो लोग अपने धर्म से सब जोड़ ले। जो संसार की अच्छी चीज़ें हैं वो सब सब हमारी है और किसी की नहीं है। सूर्य हमारा है, धरती मेरी है, हवा हमारा है, प्रकृति हमारी है, तारीख हमारा है, डेट हमारा है, समय हमारा है। तो इसमें हम नहीं मानते हैं कि किसी दूसरे धर्म की कोई भी चीज़ है। जो चीज़ें हैं इंग्लिश उनका है, ऐसा कुछ इंग्लिश भी मेरा है, संस्कृत भी मेरा है, भोजपुरी भी मेरी है, हिंदी भी मेरा है। तो सारी चीज़ें हमारी है और इसलिए सबका हमें स्वागत करना चाहिए। धन्यवाद। और फिर से एक बार मैं कहूँगा नया साल बहुत 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 मुबारक हो।